आज मैं आपको दो रंग के कान्हा जी की निक्कर टी शर्ट बनाना सिखा रही हूँ, उसको जम सूट भी कह सकते हैं। इसके लिए हमें चोली बनानी है। मैं 5-6 नंबर का आपको बनाना सिखा रही हूँ। ये देखिए, चोली बनानी मैं आपको पहले सिखा चुकी हूँ। ये मैंने चोली बना रखी है। अब मैं ग्रीन कलर लगाऊंगी इसमें। अगर आपको ये चोली बनानी सीखनी है तो मेरी पुरानी वीडियो देखिए। यहाँ से ये मैं ग्रीन कलर जोड़ूंगी। यहाँ से हमें ये चोली अटैच भी करनी है। ये यहाँ से जोड़ गई है। अब दो चैन ले, 1-2, और हर एक में से हमें डबल क्रोशिया बनाना है। डबल क्रोशिया भी बनाना मैं आपको पहले सिखा चुकी हूँ। ये देखिए, हर एक डबल क्रोशिया में से हर एक बारी डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह हमें ये पूरी लाइन करनी है। यहाँ तक पूरी लेके आनी है वाली लाइन। हमें बढ़ाना घटाना कुछ नहीं है। ये देखिए, ये मैंने स्लिप स्टिच से इसको बंद कर दिया है। अब हमको इसके हाफ हाफ करने हैं, और ये खुला हिस्सा हमें इसकी बैक में रखना है। फ्रंट नहीं बनाना, ये खुले हिस्से का बैक बनानी है। दो चैन ली, और यहाँ से हमें हाफ हाफ बन हाफ करने हैं। अब ये मेरे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 है। तो हमें 15 बुनने हैं अब डबल क्रोशिया। 1, 2, 3, ये देखिए, यहाँ से हमें 15 बार डबल क्रोशिया बुनने हैं। हर एक में एक एक बारी मैं बुन के दिखाती हूँ आपको। 4, 15 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। 15 बनाने के बाद आगे नहीं जाना। ये जो हमने पहला बनाया था, इसके अंदर स्लिप स्टिच से जोड़ देना है हमें इसे। इस तरह ये इसका एक पैर बन जाएगा। इसी के ऊपर एक राउंड और बनाना है हमें। दो चैन ले, और हर एक के अंदर एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाए। 15 के ऊपर 15 बार बनाना है हमें। ये देखिए, 15 के ऊपर 15 मैंने 3 लाइनें बना ली हैं। 3 लाइन बनाने के बाद स्लिप स्टिच करके एक चैन ले, और ये उन यहाँ से कट कर दें। ये देखिए, ये हमारा ओपन वाला हमने बैक बनाया है। ये हमारा फ्रंट है। ये हमारा एक पैर बन गया है। इसी तरह हमें 15 के ऊपर 15 बनाते हुए 3 लाइनें बनानी है। दूसरा पैर भी इसी तरह बनाना है। देखिए, यहाँ से ग्रीन कलर की ऊन जोड़े। जोड़ने के बाद दो चैन ले, 1, 2, और हर एक के ऊपर एक एक बारी डबल क्रोशिया बनाए। इस तरह इसके ऊपर भी हमें इसकी तरह 3 राउंड बनाने हैं। ये देखिए, इस तरह ये हमारे दोनों पैर बन गए हैं। अब मैं इसके लिए नीचे से येलो कलर की चिंगरी बनाऊंगी दोनों पैरों में, ताकि और सुंदर ड्रेस लगे। जहाँ से ही हमने ऊन कट किया है, यहीं से ही हमें येलो कलर की ऊन जोड़नी है। आप कोई भी दो कलर लगा सकते हैं। ज़्यादा कलर लगाना चाहे तो ज़्यादा भी लगा सकते हैं। 1, 2, 3 चैन लें, और इसी के अंदर दो बारी डबल क्रोशिया बनाएं। फ्रिल बनाएंगे हम इसकी। फ्रिल वाली सुंदर लगेगी। किंगी वाली तो मैं पहले भी सिखा चुकी हूँ आपको। 3, फिर एक चैन लें, सॉरी चैन लेने ली। नेक्स्ट में भी हमें 3 बारी डबल क्रोशिया बन 3 बारी डबल क्रोशिया बनाना है। 1, 2, 3, ये देखिए, एक पहले में 3, दूसरी में 3, ऐसे ही हर एक में हमें 3-3 डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरा राउंड करना है। ये देखिए, इस तरह बनाने के बाद यहाँ पे स्लिप स्टिच से जोड़ दें, और ये ऊन कट करें। ये एक पैर बन गया है। इसी तरह मुझे दूसरा पैर भी बनाना है। हम चाहें तो दो बारी भी डबल क्रोशिया ले सकते हैं, कहीं पे 2 बारी, कहीं पे 3 बारी, क्योंकि कई बार बहुत 3 से ऐसा लगेगा बहुत भारी सा हो गया, तो 2 बारी भी बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए, दूसरी टांग में भी ऐसे जोड़ा, 2 चैन ली, और इसमें डबल क्रोशिया बनाया। उसी की तरह ये भी पूरा राउंड बनाना है हमें। हर एक में 2 बारी, किसी कहीं बीच बीच में 2 बारी भी ले सकते हैं, वैसे 3 बारी लिया मैंने।
ये देखिए ये हमारा पूरा राउंड हो गया, ये दोनों पैर बन गया हमारे, कि जो हमारी 15 थी इसके बीच में से यहाँ से हमें क्या करना है, ग्रीन कलर की उनको जोड़ना है यहाँ से, और यहाँ से ग्रीन कलर की उन जोड़ के ऐसे देखिए अभी ठीक से चैन बनानी है हमें। कोई गिनती नहीं है इसकी, ये चैन बनाते हुए हमें ऐसे यहाँ से यहाँ पीछे जोड़नी है। ये छोटी है आपको दिखाती हूँ, ये हमारे को ऐसे लगेगा जैसे हमने बीबू वाली वो बनाई है। अभी दो चैन और बनेंगे, ये देखिए ये बन गई है, ये हमें यहाँ पे पीछे कंधे से इधर से कंधे से ला के यहाँ पे हमें स्लिप स्टिच से इसको जोड़ देना चैन को, ये चैन है और ऊन कट करें। ये देखिए ये हमारी इस तरह बन जाएगी, इसी तरह अब हमें दूसरे कंधे पे भी बनानी है। ये देखिए ऐसे मैंने चैन बनाई है, ऐसे लग रहा है जैसे बीबू वाली निक्कर वाली ड्रेस बन गई है। यहाँ पे आप चाहे तो फैंसी मोती या बटन फ्लावर कुछ भी बना सकते हैं, और बाजू पे और गले पे भी फ्रिल बना सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं बनाई है क्योंकि सिंपल एंड सोवर बनानी है, ज़्यादा बड़ी बड़ी अच्छी नहीं लग रही। ये देखिए बैक में ऐसे ये बैक से ओपन रहेगी, आप यहाँ पे बटन या कुछ लगा सकते हैं डोरी बंद करने के लिए। ये ओपन इसलिए रखी है ताकि कान्हा जी को पहनाने के लिए आसानी रहे, तो हम बंद भी बना सकते हैं। आपको अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, और कमेंट में लिखें आपको कैसी लगी।